हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मार्केट किस तरीके से गिरा है, उसके पीछे ऑब्वियसली एक रीज़न है। सबको पता ही चल गया होगा क्या रीज़न है, बट एक बार कवर कर देता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो ये वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा एंजल ब्रोकिंग, जो कि सेबी रजिस्टर्ड है, इंडिया का नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है। इसमें आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा और नीचे आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी सैटरडे को, और आपको बताया था, देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, बाबूजी धीरे चलना और स्टॉक मार्केट से थोड़ा बचना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टॉक डिफेंसिव होना बहुत ज़रूरी है और मार्केट कभी भी गिर सकती है, क्योंकि मार्केट का जो पीई चल रहा है लगभग 37-38 चल रहा है। ओके, और कोई भी एक रीज़न चाहिए कि उसकी वजह से मार्केट गिर सकता है, तो इसी रीज़न के बारे में हम बात करेंगे। तो हम जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, आज आपको न्यूज़ मिली गई होगी कि यूके में, मतलब यूनाइटेड किंगडम में, एक जो वायरस मिला है वो कोरोना का एक नया वायरस मिला है। इसका मतलब वो जो वायरस के रिलेटेड जो दवाई बनाई थी फाइजर या जिस, तो उससे अलग एक मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक नया मॉलिक्यूल टाइप में बन गया है। मतलब एक अलग वायरस बना है जिसके रिलेटेड एक तो ना तो दवाई बनी है, तो इसके बारे में 1-2 दिन में पहले तो साइंटिस्ट लोग, जो भी डॉक्टर्स लोग हैं, वो पता करेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि ऑब्वियसली उस वायरस से रिलेटेड है क्या। बट तब तक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक रहने वाला है। और जैसे कि आपने देखा है कि निफ्टी आज की डेट में क्या लगभग 3% की गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स देखिए, यहाँ पर भी गिरावट देखिए। और अगर निफ्टी के सारे शेयर्स अगर आप देखेंगे ना, निफ्टी में जितने भी शेयर्स सब लाल निशान में आपको दिखाई देंगे। एज वेल एज यहाँ पर हम सेंसेक्स में भी देखें तो यहाँ पर भी देखिए जो 30 शेयर्स है सारे के सारे आपको नेगेटिव में दिखाई देंगे। और इसी से रिलेटेड हम बातें करेंगे कि अब करना क्या है। तो देखिए, पहले तो आपका जो प्रॉफिट है ओके, वो बुक कर लीजिए अच्छे अच्छे शेयर्स में जितना भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर, और जो आपके भंगार शेयर है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको यहाँ पर बताया था कि भंगार शेयर मतलब जो आपके बेकार शेयर है उनसे निकल जाइए, क्योंकि स्टॉक डिफेंसिव होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फंस जाएंगे। तो निफ्टी, क्योंकि ये गिरावट कब तक चलने वाली है किसी को नहीं पता, कब मार्केट रिटर्न बैक करेगी और आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी कुछ कभी किसी को नहीं पता। बट आपको अच्छे स्टॉक्स में रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके एक तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हो गए, और एज वेल एज बात की जाए तो लार्ज कैप स्टॉक हो गए जिनका मार्केट कैपिटल अच्छा है और जो गिरने के बाद भी उठना जानते हैं। और बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी जो हमेशा मैं कहता हूँ अच्छे स्टॉक्स में लगाना है। तो देखिए, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिनका इफेक्ट, देखिए जब कोरोना आया था तब भी बहुत कम पड़ा था और तब उन्होंने अच्छे परफॉर्मेंस दिया था, तो सेम वही प्रोसेस आपको दोहराना है। तो अगर हम बात करें कौन से शेयर्स, तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे परसेंटेज वाइज, तो आज के देखे दिन में काफ़ी सारे शेयर 6-6%, 8-10%, 4%, 5% गिरे हैं। बट कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें आपको गिरावट बहुत कम हुई है, तो उनकी अगर बात की जाए तो कौन से शेयर्स है, फार्मा शेयर्स है, एज वेल आईटी शेयर्स है, और एफएमसीजी शेयर्स है। तो इन्हीं शेयर्स में, इन्हीं की जो निफ्टी 50 और लार्ज कैप जो कंपनीज हैं उन्हीं की तरफ आपको नज़रें बना के रखनी है। और जब वो नीचे आ जाए या आपको मिल जाए मौका, तो बाय ऑन डिप्स करके आपको वो शेयर खरीदने हैं। तो टॉप 5 फार्मा एज वेल एज आईटी जो ये शेयर्स है वो मैं आपको ऊपर बता दूंगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसे आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा और आप उन शेयर्स में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखे कोल इंडिया, यहाँ पर इन्वेस्ट करने की अभी कोई जल्दबाजी मत करिएगा। फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए गिरावट भी कम हुई है, तो यहाँ पर आप नज़र बना सकते हैं। पावर जनरेशन, यहाँ ये अच्छे अच्छे शेयर्स की अगर मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आईटी एंड कंसल्ट, देखिए ये पहले तो ये सेक्टर्स दिखा रहा है यहाँ पर, और अगर हम बात करें शेयर्स की तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं एशियन पेंट्स ओके, इसकी तरफ आप नज़र बना सकते हैं। बैंकिंग में अभी थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, क्योंकि आज के जो सेक्टर है बैंकिंग में आपको अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखेंगे। तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है 4% की। मिड कैप स्टॉक में देखिए यहाँ पर गिरावट हुई है, नेक्स्ट 50 में गिरावट हुई है, निफ्टी 50 में सभी शेयर्स गिरे हुए हमें नज़र आए। बट अगर हम फिर भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से शेयर्स जो बेहतरीन हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए सिप्ला ओके, इसकी तरफ नज़र बना सकते हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो सेक्टर में अभी थोड़ी सी दूरी बना के रखना, क्योंकि जो यूरोप से डायरेक्ट लिंक है
वो गिरेंगे ही, क्योंकि आपको देख पता चला होगा कि टाटा मोटर सबसे ज़्यादा गिरने वाला है शेयर है, आज लगभग 10% गिरा है। तो देखिए, लाइफ इंश्योरेंस SBI की तरफ नज़रें बना सकते हैं, नेस्ले की तरफ नज़रें बना सकते हैं, विप्रो IT कंपनी एस की तरफ नज़रें बना सकते हैं, टेक महिंद्रा की तरफ नज़रें बना सकते हैं, UPL को अभी थोड़ा रुकना, क्योंकि UPL भी कहीं ना कहीं UK से बिलोंग करता है, उनका बिजनेस है, तो वहाँ पर आपको गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी की तरफ आप नज़रें बनाना, और पावर ग्रिड में आपको अगर नीचे से मिलता है शेयर और गिरता है तो आप वहाँ पर भी थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सन फार्मा पे नज़रें बना सकते हो, SCL टैग पे, एज वेल एज HUL पे आप नज़रें बना के रखना, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन शेयर है। एज वेल एज अगर बात की जाए ब्रिटानिया की, तो ब्रिटानिया भी बहुत बेहतरीन शेयर है, इसकी तरफ नज़रें बनाना। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, कोटक बैंक देखिए बहुत भागा है, बहुत भागा है, तो यहाँ पर गिरावट और भी हो सकती है, तो आपको और नीचे मिले तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स जरूर कर लेना, बहुत अच्छा बैंक है। एज वेल एज ONGC में आपको पता ही है अभी गिरावट अच्छी खासी हुई है। भारती एयरटेल में आप नज़रें बना सकते हैं, बहुत अच्छा शेयर है। इंडसइंड बैंक और गिरने वाला है, टाइटन टाइटन के टारगेट और भी नीचे दिए गए हैं, तो टाइटन आपको नीचे मिलेगा तो आप एक्यूमुलेट करना। इन्फोसिस, ओके, TCS, और जो IT से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है आप देख लेना। और देखिए इधर टाटा मोटर्स देखा है ना, आज आज के दिन ही लगभग 9% की गिरावट आपको दिखी है। HDFC लाइफ को आप अपने रडार पे रखना, डिविस लैब को, और बैंकिंग के जितने बैंकिंग या फाइनेंस के जितने भी स्टॉक्स हैं अभी थोड़ा होल्ड करना, और नीचे की तरफ आपको मिले तो डेफिनेटली तब आप एक्यूमुलेट करना। लार्सन टब्रो के साथ भी सेम केस, एज वेल एज ITC की बात करें तो ITC भी आज बहुत गिरा है, और अगर ये नीचे गिरता हुआ आपको मिलता है तो इसे एक्यूमुलेट कर लेना। HDFC को भी आप एक्यूमुलेट कर लेना, बजाज फाइनेंस और NBFC है तो इसकी तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं, बट गिरने पर ही आप खरीदे क्योंकि तो हाई लेवल पर अभी है। ICICI बैंक भी सेम, HDFC बैंक भी सेम, रिलायंस रिलायंस को भी अगर देखिए गिरावट आ सकती है, बट एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ रिलायंस से रिलेटेड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेजोन की जो हियरिंग थी वो रद्द कर दी है, और कह दिया है कि रिलायंस अगर केस करना चाहता है अगेंस्ट अमेजोन तो वो कर सकता है, क्योंकि उन्होंने उनको इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी कोई न्यूज़ है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो ये बेहतरीन स्टॉक है, तो मतलब मेन स्टॉक कौन से है, तो मेन स्टॉक बताना चाहता हूँ IT के स्टॉक्स मेन है। इसके अलावा आप फार्मा की तरफ नज़रें बना सकते हैं, और आप बना सकते हैं FMCG की तरफ, FMCG के HUL हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, ओके, मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक दूंगा तो उसे जाके देख लीजिएगा। तो अभी मार्केट में और भी ज़्यादा चिंता की बात है, ओके, तो क्योंकि कोरोना वायरस ने दोबारा हिट कर किया है, और नया वायरस निकल के आया है जिसके बारे में 2-3 दिन में पता चलेगा, तो तब तक आप, और एक डेटा और है FIA से रिलेटेड अभी आया नहीं है आज का, तो उसे जाके जरूर देख लीजिएगा। और बात की जाए देखिए जो फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने UK से आने और जाने वाली फ़्लाइट्स को एज वेल एज इंडिया ने भी 31 दिसंबर तक रोक लगा दिया कि अभी वहाँ से ना कोई फ़्लाइट आएगी ना कोई फ़्लाइट जाएगी जब तक ये सब कुछ मामला ख़त्म नहीं हो जाता। तो इसलिए थोड़ा सा मार्केट में प्रोटेक्टिव रहना, और इस वीडियो को जो मैंने आपको बताया था देख लीजिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही वॉर्न भी किया था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।